हेलो फ्रेंड, मैं हूं ओम प्रकाश और आपका स्वागत करता हूं ओम टॉक चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट और कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें कॉन्टेक्ट लेंस लगाना चाहिए या स्पेक्ट बनवाना चाहिए, यानी कि कॉन्टेक्ट लेंस और चश्मे में ज्यादा बेटर कौन है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं दोस्तों के लिए बनाया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं दोनों में से बेटर कौन है ये जानने की। सबसे फर्स्ट मैं कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्ट लेंस होता है दोस्तों, आप उसको डायरेक्ट अपनी आंखों में फिट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों आंखों में जब आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाए हैं, आपका पावर है, कॉन्टेक्ट लेंस आप लगाते हैं और कहीं ड्राइविंग में निकलते हैं तो आपको ऊपर से एक गॉगल लगाना पड़ेगा, एक धूप का गॉगल लगाना पड़ेगा या एक वैसी व्हाइट गॉगल भी लगाना पड़ेगा जिससे उसमें डस्ट ना जाए। और तेज हवा, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो तेज हवा उसमें डायरेक्ट आंखों में नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो उससे होगा क्या, आपके आंखों में आंसू आ सकता है या डस्ट जाने की वजह से आपको जलन हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि हम स्पेक्ट लगाए हैं, तो स्पेक्ट होता क्या है, ये एकदम इजी टू यूज है, इसको यूज करना काफी आसान है, जब चाहे निकाल लिए जब चाहे लगा लिए। और दूसरी बात, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं दोस्तों तो आपका लेंस आपको डस्ट और एयर से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। वहीं हम देखते हैं कि अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हैं तो आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाकर सो नहीं सकते हैं, यानी कि बहुत देर तक अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आंखें लाल हो जाएगी और उसमें चुभन जैसी आपको महसूस होने लगेगी। अब हम स्पेक्ट के बारे में बताते हैं कि इसको आपको अगर सोना है तो जनरली कोई भी इसको उतार के ही सोता है, और जब वो उड़ जाए तो उसको लगा सकते हैं, इसको लगाने उतारने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप किसी जॉब प्रोफेशनल में हैं तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में आप वर्क करते हैं, तो कॉन्टेक्ट लेंस में ऐसा कोई प्रोटेक्शन लेंस नहीं है उसमें कि उसके जो रिफ्लेक्शन है, आपके लेंस के जो स्क्रीन के जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसको रोक सकें। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि अगर आप कोई स्पेक्ट या कोई चश्मा लगाते हैं तो उसमें एक अच्छी सी लेंस लगा होता है, यानी कि जैसे कोई एंटी रिफ्लेक्शन कोटेड लेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली जो रेस होती है उसे भी प्रोटेक्ट करती है। तो जनरली हम दोनों के बारे में जान चुके हैं, तो मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि चश्मा अच्छा है और कॉन्टेक्ट लेंस बुरा होता है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस का एक अलग स्तर है। आप कई बार होता है कि आप देखते होंगे, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में या किसी ट्यूशन पे जाते हैं, वहां पे आप चश्मा लगा रहे हैं, आपके लेंस काफी मोटे हैं, पावर ज्यादा है, तो साधारणली आपको लोग थोड़ा सा चिढ़ाते होंगे या ऐसा नहीं भी होता होगा, फिर भी आपको लेंस स्पेक्ट लगाना पसंद आता होगा। तो इस जगह पे हम अपना कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं कि आप उस कॉन्टेक्ट लेंस को लगाएंगे तो लगभग किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपको पावर लगा हुआ है आपकी आंखों में। दूसरा फायदा यह है कॉन्टेक्ट लेंस का दोस्तों, कि किसी लड़की का शादी होने वाला है, अगर उनको मोटा चश्मा लगता है तो आप अपनी किसी सगाई की रस्म या शादी के टाइम पे आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाकर अच्छे फोटो ले सकती हैं। और दोस्तों, जिनका पावर ग्लास जो बहुत हाई नंबर है, उनके लिए तो कॉन्टेक्ट लेंस एक वरदान की तरह है, क्योंकि उनको अपने भारी लेंसों से छुटकारा मिल जाता है और ये चश्मे की वजन से भी उनको काफी राहत मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आने वाली वीडियो में और भी अच्छी डिटेल दे सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हमारे नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन में भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।